खबर है, अब भोपाल की बड़ी झील में भी कश्मीर की डल झील की तरह शिकारें चलेंगी और इसकी तैयारियां भोपाल नगर निगम ने पूरी कर ली हैं। 14 जून को बड़ी झील को शिकारे की सौगात मिलेगी। मेयर मालती राय इसका उद्घाटन करेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। मंत्रालय में विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे विष्णुदेव साय। तो आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औषधि, प्रशासन की होगी समीक्षा बैठक। आज मुंगेली के दौरे पर भी रहेंगे सीएम साय। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो रायपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां विभागों की समीक्षा बैठक आज सीएम लेने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा विभाग की बैठक होगी और आज मुंगेली के दौरे पर भी सीएम साय रहने वाले हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां बदमाशों ने वकील से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वकील की पिटाई करते नजर आ रहे हैं बदमाश। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो बदमाशों को वकील से भी खौफ नहीं। जो कानून को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उनसे जो है पंगा लेते यहाँ बदमाश नजर आए। और देखिए, सीसीटीवी भी इसका सामने आ चुका है घटना का। वकील की पिटाई करते बदमाश नजर आ रहे हैं। सरे राह मारपीट की तस्वीर सामने आई। मैं गया हुआ था, वहां जैसे ही पहुंचा कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अचानक मेरे पर हमला करते हुए मेरे पॉकेट में रखे 5000 रुपए लूट लिए और मेरे साथ तावातोड़ मारपीट किया गया। और बिलासपुर से खबर है, बिलासपुर में कलेक्टर का औचक निरीक्षण, जहां पर अस्पताल और सोसाइटी का निरीक्षण किया गया। एक्सपायरी दवाई देखकर कलेक्टर भड़क गए। फार्मासिस्ट सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया है। चिकित्सा सहायक का इंक्रीमेंट रोक दिया है। करगी कला और पीपर तराई का ये दौरा किया गया और फिर यहाँ पर जो एक्सपायरी दवाई है वो जब मिली तो इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है। तो अस्पताल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में कलेक्टर जैसे ही निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और सडनली जब इंस्पेक्शन के लिए वो पहुंचे तो अस्पताल और सोसाइटी का निरीक्षण करने के बाद यहां से कुछ एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं, जिसको देखकर कलेक्टर भड़क गए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और उसके लिए सरकार ने कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका की तरह सुनवाई शुरू की है। मामले को लेकर पहले हुई सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य सरकार ने पहले ही स्कूल भवनों और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के सुधार के संबंध में कदम उठाए हैं। पूरे राज्य में स्कूलों की पहचान कर स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही जरूरत के मुताबिक मरम्मत और नवीनीकरण कराने के आदेश भी दिए गए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। साथ ही जो इसके लिए सरकार ने कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। जबलपुर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने विमेन्स सेफ्टी जैकेट बनाई है, जो अकेली महिला के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करेगी। इस सेफ्टी जैकेट को बनाने में 6 महीने का समय लगा है। इंक्यूबेशन सेंटर के 3 स्टूडेंट्स ने कड़ी मेहनत के बाद इस जैकेट को बनाया है। तो अकेले महिला के लिए ये बॉडीगार्ड साबित होगी जैकेट। कुछ तमाम आधुनिक तकनीक से लैस है ये, जिसमें कि GPS सिस्टम भी लगाई गई है। जबलपुर में ये स्टूडेंट्स ने सेफ्टी जैकेट महिलाओं के लिए बनाई है। एक्शन जैकेट है ये, जिसके अगर कोई भी अनवांटेड टच उसमें देता है तो उसमें करंट लगता है एंड हमारी जो लोकेशन है और जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है कि हम कहाँ हैं, कब हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स तक या हमारे जो गैजेट जो कनेक्टेड है उस तक पहुँच जाती है। रायपुर में 17 जून से सक्रिय हो सकता है मानसून और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। सुकमा में मानसून पहुंचने के बाद है ब्रेक की स्थिति। पिछले साल 18 जून मध्य छत्तीसगढ़ पहुंचा था मानसून। तो देखिए आप 17 जून से एक्टिव होगा मानसून। रायपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 17 जून से मानसून सक्रिय हो सकता है, यानी कि बस 3 से 4 दिन का और इंतजार, उसके बाद झमाझम बारिश की उम्मीद। दक्षिण छत्तीसगढ़ के अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। सुकमा में मानसून पहुंचने के बाद ब्रेक की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और पिछले साल 18 जून को मध्य छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा था। तो रायपुर में 17 जून से एक्टिव होगा मानसून। आप देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी के दौरान लोग काफी परेशान हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो और उन्हें गर्मी से राहत मिले। शुरुआती दौर में ये भी देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो उस दौरान भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर निचले इलाकों में। हालांकि नगर निगम तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा जरूर करता है, लेकिन सबसे सुखद पहलू यह है कि 17 जून से मानसून एक्टिव होने वाला है और इससे लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ बारिश होने के बाद बारिश थम गई है और उसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार। कराई सरायपाली खदान रोजगार पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। जशपुर में पटवारी के साथ मारपीट, फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर बोर खनन कराने से मना करने पर की थी मारपीट। सख्ती में आचार संहिता हटते ही पुलिस कर्मचारियों का तबादला, एसपी अंकिता शर्मा ने जारी किया आदेश। पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के लिए फैसला। दुर्ग में महिला प्रोफेसर से चेन स्नेचिंग, घर के सामने टहलने के दौरान छीन ली गई चेन। बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर फरार। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। मेडिकल कॉलेज की जमीन पर था कब्जा। शाजापुर में बिजली के तारों में लगी आग, कई इलाकों की बिजली गुल, सुधार में जुटा विद्युत विभाग। राजनांदगांव में ईडी की रेड, राइस मिल व्यापारी के घर छापा, अलग अलग गाड़ियों से पहुंची टीम, सुबह से कार्रवाई जारी। रायपुर के आरंग नेशनल हाईवे पर हादसा, डीजल टैंक ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। जगदलपुर में एनएमडीसी के खिलाफ किसानों की हड़ताल जारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया समर्थन, किसानों की मांग को बताया जायज। अंबिकापुर में सरकारी नौकरी मिलते ही पति को छोड़ने का मामला, पत्नी ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप, जांच जारी। दुर्ग में मजदूरों ने किया हंगामा, मनरेगा मजदूरों ने जनपद पंचायत पाटन का किया घेराव, तकनीकी सहायक पर पैसे कम देने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में एक्शन में सीएम साय, 3 दिनों में करेंगे सभी विभागों की समीक्षा, विकास की रफ्तार और तेज करने पर सीएम का फोकस। कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा देश में गठबंधन की सरकार बनते ही महंगाई बढ़ गई। दुर्ग में सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान, कहा 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के संकल्प के साथ काम करना है। जशपुर में तेज आंधी के साथ बारिश।